भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में वर्ष 2030 तक भारत अपनी 50% ऊर्जा जरूरत को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास ही हैं कि पिछले 7 वर्षों में भारत ने नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी में 25% से ज्यादा की वृद्धि की है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो संकल्प से सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। माननीय प्रधानमंत्री के इसी रिन्यूएबल एनर्जी संकल्प को अगले पड़ाव में ले जा रही हैं हिमाचल में स्थापित एवं प्रस्तावित 4 जल विद्युत परियोजनाएं। हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर प्रस्तावित बहुउद्देश्य रेणुका बांध परियोजना और पब्बर नदी पर 111 मेगावाट की सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित हैं, जबकि सतलुज नदी पर 210 मेगावाट की लुहरी स्टेज 1 और ब्यास नदी पर 66 मेगावाट की धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना SJVN द्वारा स्थापित की जा रही है। ये चारों परियोजनाएं प्रतिवर्ष 1648 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करेंगी। इन परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को कमीशनिंग के 40 वर्षों तक 12% बिजली निशुल्क दी जाएगी। इन परियोजनाओं के निर्माण से 68,14,000 मानव कार्य दिवस के रोजगार सृजित होंगे और 13.81 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा। इससे कृषि, उद्योग, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में विकास की रफ्तार और तेज होगी। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री के 24/7 पावर टू ऑल रिन्यूएबल एनर्जी विजन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी।